कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशन वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो, इंस्टाग्राम पे सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। कल वीवो पे एक पोस्टर लीक हुआ था, एक प्रोमो पोस्टर। वीवो चाइना का ट्विटर है समझ लो, जैसे चाइना में ट्विटर और ये फेसबुक अलाउड नहीं है, तो वहां पे वहां का जो ट्विटर है उसका नाम वीवो है। वहां पे एक पोस्टर लीक हुआ था जिसमें Redmi 20X के बारे में लिखा गया था, प्राइस थी 1000 yuan। अब 1000 yuan को कन्वर्ट करते हो तो 11000 रुपए के आसपास आता है, 4GB 128GB का, और जल्दी लॉन्च होने वाला है। और जो स्मार्टफोन दिया था वहां पे पिक्चर में, अगर आप देख सको तो ये वही स्मार्टफोन है जो यूरोप में Redmi Note 10 5G के नाम से लॉन्च हुआ है, जो पॉसिबली इंडिया में पोको के किसी नाम के स्मार्टफोन के नाम से आने वाला है, पोको M3 Pro बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, एंड उसी नाम से आने वाला है कहा जा रहा है। और ये स्मार्टफोन वहां पे जाने वाला है सिर्फ 11000 रुपए में। अगर आप देखो यूरोप की प्राइसिंग तो वहां पे कुछ 14600 की प्राइस पे गया, क्योंकि $200 में वहां पे आया था एंड $1 का 73 रुपीज होता है, तो 14600 रुपए होते हैं। तो इसका मतलब कि अगर ये इंडिया में लॉन्च होता है तो 11000 से 14000 के बीच में इसकी प्राइस हो सकती है, ज्यादा चांसेस है 13000 या 14000 हो। अब लेट्स सी, देखेंगे। स्पेसिफिकेशन ठीक ठाक है, बहुत अच्छे तो नहीं है, लेकिन प्राइसिंग इसकी थोड़ी ज्यादा रहेगी क्योंकि इसमें 5G कनेक्टिविटी रहने वाला है। अब इसके पोस्टर लीक हो गया, प्राइसिंग भी आ गई है और ये जल्दी लॉन्च होने वाला है। अब Redmi 20X इसका नाम है, जो कि इवेंचुअली Redmi 10X का सक्सेसर होना चाहिए, लेकिन अगर आप Redmi 10X को देखोगे तो उसमें सुपर एमोलेड का पैनल था, उसमें आपको Dimensity 800U का चिपसेट था, सारी चीजें थी। एंड इसको देखोगे, यानी Redmi Note 10 5G जो यूरोप में लॉन्च हुआ है उसको देखोगे तो उसमें IPS का पैनल आता है, वो 90Hz का है, IPS का है, फुल HD प्लस का है, चलो अच्छी चीज है, पंच होल है। लेकिन 10X में आपको सुपर एमोलेड मिल रहा था, 20X में आपको IPS दे रहे हैं, तो आप समझ लो उसमें 60Hz था, यहाँ पे 90Hz है, ऑब्वियसली यहाँ पे अपग्रेड है, तो आप अपने हिसाब से देख लो कि ये अपग्रेड है या डाउनग्रेड है। रियर साइड पे प्लास्टिक है, ट्रिपल कैमरा का सेटअप है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, लेकिन स्टिल मैं कहूंगा कि अपग्रेड तो नहीं कहूंगा इससे। चलिए उसके बाद फिर चिपसेट पे आते हैं, तो वहां तो स्ट्रेट अवे डाउनग्रेड कर दिया है, Dimensity 800U से डायरेक्ट Dimensity 700 पे आ गया, तो वहां पे तो डायरेक्ट डाउनफॉल है, समझ ली, डाउनग्रेड ही किया है। ऑक्टाकोर का चिपसेट है, 5G है, 7 MP बेस है, तो बैटरी एफिशिएंसी आपको अच्छी खासी दे देगा, वहां पे प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसका स्कोर 230,000 के आसपास आता है, 240,000 के आसपास। एंड उसके बाद माली G57 का GPU, ठीक ठाक गेमिंग कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 5G के साथ आता है तो अच्छी चीज है। एंड एंड्रॉइड 11 पे आएगा, जो कि MIUI 12.5 के साथ आएगा, वो भी अच्छी चीज है। कैमरा पे जाओगे तो वहां भी डाउनग्रेड किया है, क्वाड कैमरा से ट्रिपल पे आ गया है, 48+2+2 का। इंडिया में GST आ रहा है, चाइना में कौन सा आ रहा है भाई, ये सारी चीजें कम कर दी। चलिए इसके साथ 8 MP का अल्ट्रा वाइड बोल रहा हूँ, 48+2+2 का ट्रिपल कैमरा रियर साइड पे, एंड प्राइमरी 48 MP का है, 2 MP मैक्रो एंड डेप्थ है। 8 MP का आपको फ्रंट सेंसर मिलता है, यानी सेल्फी कैमरा जो है 8 MP का है, दोनों साइड से आप 1080 रिजोल्यूशन में वीडियो निकाल सकते हो, अच्छी चीज है। एंड इसके साथ बैटरी की बात करोगे तो इसमें 5000 mAh की बैटरी है, बड़ी बैटरी दी गई है, 18W का चार्जर है, टाइप सी का पोर्ट है, एंड अच्छी चीज है। चलो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं, डेडिकेटेड स्लॉट आता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, उसको प्रॉक्सिमिटी सेंसर, स्टीरियो स्पीकर्स, IR ब्लास्टर, 3.5mm जैक, IP53 की रेटिंग, ये सारी चीजें भी मिल जाएंगी आपको पॉसिबली अगर आप देखोगे इसके साथ, तो सारी चीजें आने वाली हैं। एंड वेट कर लेते हैं इंडिया में कब आएगा, क्योंकि ये तो फिलहाल अभी चाइना में जा रहा है, एंड कहा जा रहा है इंडिया में ये पोको M3 Pro के नाम से आ सकता है, पॉसिबली अप्रैल या मई तक। अब देखेंगे, बहुत पहले से लोग वेट कर रहे हैं इसका, एंड बहुत पहले से स्पेसिफिकेशन दिए जा रहे हैं, अब लेट्स सी देखते हैं क्या आता है। जैसे आएगा वैसे इसके बारे में आपको बता दूंगा, लेकिन पोस्टर लीक हो गया है, यही इन्फॉर्मेशन आपको बताना था, चाइना में, एंड चाइना में जल्दी Redmi 20X के नाम से लॉन्च होने वाला है। दोस्तों आप वेट कर रहे हो कि नहीं, जरूर बता देना कैसा लगा वीडियो, जरूर बता देना, पसंद आया लाइक बटन शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना कि नहीं पसंद आया, और भी बहुत सारे वीडियोस हैं उन्हें भी चेक कर सकते हो, और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, सपोर्ट करना छोड़ नहीं करना, साइड में देखो वैक्टे में जिस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और सपोर्ट कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है कुछ भी पूछना है आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नया कंटेंट आता है, तब तक के लिए दोस्तों।